राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने खासा सुप्रिया सूले के खिलाफ वादग्रस्त वक्तव्य करने से राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस आक्रामक होकर शहर के नंदूरी चौक में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के फोटो को चप्पल जूते मारकर सत्ता विरोध में निर्देशन करके निषेध व्यक्त किया। हिंदुत्व के मुद्दे पर गद्दारी करके स्थापित सरकार के मंत्री महिला के बाबत ऐसा गलत वक्तव्य करते हो तो ये जीजाऊ अहिल्या देवी सावित्री बाई के महाराष्ट्र के साथ ही महिलाओं का घोर अपमान है जो हम कदापि सहन नहीं करेंगे। ऐसी भूमिका लेकर शिंदे फडणवीस सरकार के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के विरोध में शहर के नंदूरी चौक में पदाधिकारी सह सैकड़ों कार्यकर्ता रास्ते पर उतरे। सत्तार के विरोध में घोषणा देकर उनका निषेध किया गया। इस वक्त राष्ट्रवादी के नेताओं ने कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने मंत्री पद का राजीनामा देने की मांग की। इस प्रसंग पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के प्रदेश सरचिटनेस अतुल वांगले, पूर्व विधायक राजू तिमांडे, पूर्व नगर सेवक अनिल भोगांडे, पूर्व नगर सेवक सौरभ तिमांडे, महिला जिला उपाध्यक्ष कविता मुंगले, शहर अध्यक्ष मृणाल रीठे, सीमा तिवारी, सुचिता सातपुते, अर्चना नांदुरकर, सीमा आड़े, रवि किरण कूटे, राजू मूडे, प्रशांत लोणकर, वैभव साठोने, अमूल मूडे, निखिल ठाकरे आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आमच्या खासदार माननीय आदरणीय आमच्या नेत्या सुप्रियाताई सुळे यांच्याबद्दल जे अब्दुलजी सत्तार यांनी जे अश्लील भाषेमध्ये जे वाक्य केलं त्याबद्दल आज आम्ही हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्राच्या वतीने सर्व महिला युवा वर्ग आणि ज्येष्ठ वर्गाच्या वतीने आम्ही सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून अब्दुल सत्तार यांचा मोठ्या प्रमाणात आम्ही निषेध करतो। त्यांनी जे आमच्या नेत्याबद्दल जे अश्लील शब्द वापरले गेलेले आहेत त्यांना हे शब्द खूप मोठ्या प्रमाणात महागात पडणार आहे। हे महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना आमचं निवेदन आहे की त्यांना लवकरात लवकर तातडीनं त्यांचा राजीनामा घ्यावा आणि त्याला तातडीनं त्यांना मंत्रीपदावरून काढावं। अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आम्ही या विदर्भामध्ये जे आमच्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये अब्दुल सत्तारला फिरूसुद्धा देणार नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवावं। हिंगणघाट से NBCN न्यूज के लिए रवि योनौरकर की रिपोर्ट।